आज हम बात करेंगे सोलो ट्रिप्स की। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ऑसम सी फीलिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत बोरिंग होता है क्योंकि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, कोई आसपास कोई बात करने को नहीं होता है और वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका इलाज है ऐसी सोलो ट्रिप्स जिसमें आप निकलते तो अकेले हैं लेकिन वापस आते आते आप दोस्त बनाते हैं। इसमें एक्चुअली होता ही है कि जो ये ट्रेवल कंपनीज होती है ये एक फिक्स्ड डेट निकालती है कि इस डेट में हमारी ट्रिप जाएगी। तो जितने भी सोलो ट्रेवलर्स हैं, चाहे ग्रुप्स हैं चाहे कपल्स हैं, वो इस ट्रिप को बुक करते हैं फॉर द सेम डेट। तो इन सब लोगों को एज ए होल वन ग्रुप लिया जाता है और इन्हें ट्रिप कराई जाती है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोलो तो हो लेकिन आप एक ग्रुप में हो, बड़े से ग्रुप में, जहाँ आप लोगों से चाहे तो इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे तो अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड रह सकते हो। तो ये चॉइस आप पे है कि आप एज ए सोलो ट्रेवलर भी अपने आप को बिहेव कर सकते हो या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट होके थोड़ी मौज मस्ती करके नए नए दोस्त बना सकते हो। नोट करने वाली ये बात है कि यहाँ पे ग्रुप का साइज कुछ भी हो सकता है। जो मैंने अपनी पहली सोलो ट्रिप बुक करी थी वो हमें एक मिनी बस में कराई गई थी, तो करीब 30 से 40 लोगों का ग्रुप था। लेकिन जो मैंने अपनी दूसरी सोलो ट्रिप बुक करी थी उसमें 5 लोगों का ग्रुप बनाया गया था और हमें इनोवा कार के थ्रू ट्रिप कराई गई थी। तो अब सीधे चलते हैं कि कौन सी कंपनीज है जो ऐसे ट्रिप्स कराती है और कैसे आप बुकिंग कर सकते हो। पहला ऑप्शन है थ्रिलोफिलिया का। ये काफी बड़ी और ट्रस्टेड वेबसाइट है। मैं खुद इसके थ्रू 2 ट्रिप कर चुका हूँ और मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। इनकी वेबसाइट से इजीली ट्रिप बुक करी जा सकती है। जैसे कि एक मैं आपको दिखा दूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इनकी ट्रिप पूरी। इसमें आपको प्राइस भी मिल जाएगी, कितने दिन का ट्रिप है ये भी मिल जाएगा और बाकी जो भी डिटेल्स हैं सारी मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन आता है आई टूर बीट का। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और मैंने अपनी अगली ट्रिप ऑलरेडी बुक करा दी है इन्हीं से, तो जैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। तीसरा ऑप्शन है ट्रैक एंड ड्राइव। ये भी रेगुलर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और आप इनके इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको रेगुलर डेट्स मिल जाएंगे कि इनकी कौन सी अपकमिंग ट्रिप्स हैं। चौथा ऑप्शन है आहना एडवेंचर्स का। इनकी वेबसाइट मुझे बहुत सही लगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सही तरीके से सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि ट्रिप की डेट्स, जो कि कुछ वेबसाइट क्लियरली नहीं दे पाती हैं और आपको उनके इंस्टाग्राम को डीएम करना पड़ता है या फिर उन्हें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करना पड़ता है कि फिक्स्ड डेट बताओ, तब आपको बताते हैं। लेकिन इनकी वेबसाइट में आपको डायरेक्टली सब कुछ मिल जाएगा। पांचवा ऑप्शन है इनविंसिबल एनजीओ। इनकी वेबसाइट भी बहुत सही तरीके से है, उसमें भी सारी डिटेल्स हैं, डेट्स हैं ट्रिप्स की, तो आप इनके थ्रू भी बुक करवा सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी ये बात बता दूं कि जो पहली वेबसाइट थी थ्रिलोफिलिया, ये वेबसाइट एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत ट्रस्टेड भी है, लेकिन ये खुद कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं कराते हैं। इन्होंने कई सारी ट्रेवल कंपनीज के साथ टाई अप करा हुआ है, तो अगर आप यहाँ से बुक करवाते हो तो ये अपने एफिलिएट कंपनीज के थ्रू आपकी ट्रिप्स अरेंज करवाएंगे। तो क्योंकि ये खुद कोई ट्रिप्स ऑर्गेनाइज नहीं कराते हैं तो ये ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्ट है इनके, तो ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका ट्रिप बुक करवा सकते हैं। लास्ट की जो 4 कंपनीज मैंने आपको बताई थी उनका फोकस मेनली हिमालयस और नॉर्थ इंडिया के ट्रिप्स में रहता है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र या फिर आसपास की जगह के एडवेंचरस ट्रिप्स करना चाहते हो तो मुझे एक कंपनी का पता चला है जो कि है दुर्गनाथ। मेरा फ्रेंड इनके साथ ट्रिप्स में जाता रहता है तो मुझे बहुत सही लगती है इनकी वीडियोस। इंस्टाग्राम में आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, बहुत कूल और एडवेंचरस लगती है, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि इन सारी कंपनीज के इंस्टाग्राम के पेजेस फॉलो कर लो और जो आपको डेट्स या प्राइस के हिसाब से सूटेबल लगे वहां से बुक कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आने वाली वीडियोस में मैं अपनी सोलो ट्रिप्स के नज़ारे दिखाऊंगा और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।